ऑफिस जाने की तैयारी चल रही है? हाँ आंटी। अच्छा सुनना, मुझे ना ज़रा शक्कर चाहिए थी। आप लो ना अंदर से, मुझे लेट हो रहा है। अच्छा अच्छा लेती हूँ। अरे क्या है आरोही, कितना फैला हुआ किचन है, ज़रा तो ठीक से रखा करो, सिस्टमेटिक रहा करो। अरे आंटी अब आने की बात करती हूँ ना, अभी टाइम पे पहुँचना ज़रूरी है। तुम तो हमेशा काम में ही बिजी रहती हो, शादी के बाद तो घर परिवार भी संभालना होगा ना, तब ऐसे नहीं चलेगा। आरोही बेटा, करियर और इंडिपेंडेंस अपनी जगह पर है, पर याद रखना औरत की असली जगह उसके घर में है, अपने परिवार को संभालते हुए। अच्छा बाद में बात करते हैं, आपने शक्कर ली, चलो अब मुझे निकलना है। गुड मॉर्निंग आरोही, प्रेजेंटेशन का स्टेटस क्या है मैडम? बस हो ही गया है, थोड़ा सा बाकी है। प्रेजेंटेशन होगी क्या इससे, शक्ल तो देखो पूरी पीली हो गई है। अरे फिर बॉस की डांट पड़ेगी, पता है ना कल की डेडलाइन है इसकी। हाँ यार पता है, आज करूँगी। आरोही जरा कैबिन में आओ। हाँ आती हूँ। क्या हुआ, अनिल सर ने बुलाया ना, अभी देखो मजा आएगा। आरोही अभी तक वो प्रेजेंटेशन क्यों नहीं पूरा हुआ, कल डेडलाइन है उसकी। हाँ मेरा कल ही पूरा हो जाता पर घर जल्दी जाना पड़ा। तुम लड़कियां हमेशा घर परिवार के काम में डिस्ट्रैक्टेड रहती हो, तुम्हें बैलेंस करना आना चाहिए। यस आई अंडरस्टैंड, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। कोशिश करना काफी नहीं है, हमें रिजल्ट चाहिए। कोशिश करना काफी नहीं है। प्रेजेंटेशन होगी क्या इससे, शक्ल तो देखो पूरी पीली हो गई। कितना फैला हुआ किचन है, करना आना चाहिए। सिस्टमैटिक रहा करो। प्रेजेंटेशन होगी क्या इससे, शक्ल तो देखो पूरी पीली हो गई। करना काफी नहीं है। हमेशा काम याद नहीं रहती है। हेलो आरोही, कहाँ ध्यान है तेरा? अरे रोशनी तुम, सॉरी यार मेरा ध्यान नहीं था, कैसी है तू? अरे मैं तो एकदम मस्त हूँ, तेरा हाल सुना, इतनी कौन सी सोच में डूबी हो, स्ट्रेस्ड भी लग रही हो, क्या हुआ है? अरे इतना सारा प्रेशर है ऑफिस का, घर का, आई एम जस्ट नॉट एबल टू बैलेंस, मेरी पूरी एनर्जी ड्रेन हो गई है। तुझे एनर्जी से भरना है तो मेरे पास पावर हाउस है, चलेगी मेरे साथ? मेरी ऐसी हालत है और तुझे मजाक सूझ रहा है? अरे मजाक नहीं, सच में, तू चल तो मेरे साथ। ओम शांति दीदी, ये आरोही मेरी फ्रेंड। ओम शांति आरोही बहन। कितनी शांति है यहाँ। ऐसी शांति आप हमेशा अनुभव कर सकते हो। हमेशा कहाँ दीदी, मैं इतना काम से और टेंशन से परेशान रहती हूँ, शांति का तो नामो निशान नहीं है, तो अनुभव कैसे होगा? उसके लिए आपको यहाँ आना होगा, 7 डेज का कोर्स करना होगा। 7 डेज का कोर्स, क्या होता है उसमें? उसमें आपको ये समझ में आएगा कि आप असल में कौन हो। अच्छा पर क्या उससे मेरे सारे प्रॉब्लम्स फिनिश हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल, बस आपको अपना रोज का 1 घंटा देना है। 1 घंटा, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। फोन पर रील्स देखते देखते 1 घंटा कैसे चला जाता है, तुमने कभी रियलाइज किया है? वो तो है, पर इसकी फीस क्या होगी? आपका समय ही इस कोर्स की फीस है। ओके दीदी, मैं कल से आती हूँ। राजयोगी ब
बनो राजयोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। तो आज के सेशन में आपने क्या सीखा? कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। चलो अब इसकी अनुभूति करते हैं। रिलैक्स योरसेल्फ, अनुभव करो रुकुटी के मध्य में एक चैतन्य शक्ति, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मेरे सामने शांति का सागर, शक्तियों का सागर, परमात्मा पॉइंट ऑफ लाइट, उनसे मेरी ओर शांति और शक्ति की किरणें आ रही है और पूरे शरीर में फैल रही है। ओम शांति। जब से बने हैं प्रभु तुम्हारे, ये जीवन अच्छा गुड मॉर्निंग आंटी, कैसे हो? क्या बात है आरोही, आजकल बहुत खुश दिखती हो, चेहरे पर भी ग्लो आया है, घर भी बहुत अच्छा सिस्टमेटिक रखने लगी हो, जरा बताओ तो राज क्या है? हाँ, अब राज ही पता चल गया जिससे सारी नाराजगी खत्म हो गई है। अच्छा, ऐसा कौन सा खजाना मिल गया? खजाना तो क्या, मुझे स्वयं भगवान मिल गया है। क्या, भगवान मिल गया? अच्छा, तो मैं भी मिलना चाहूंगी तुम्हारे भगवान से। हाँ हाँ, जरूर मिलाऊंगी। चलो अभी मैं निकलूं। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था। गुड मॉर्निंग पलक, गुड मॉर्निंग नैना। तुम्हें लगता नहीं पिछले एक महीने में बहुत चेंजेस आ गए हैं इसमें? कितनी खुश लगती है और काम भी प्रोडक्टिवली कर रही है। हाँ, लगता है कुछ जादू की छड़ी मिल गई है इसे। चल चल देखते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, प्रेजेंटेशन रेडी है? यस, आई हैव मेल्ड इट टू यू। ग्रेट, तो अभी रिपोर्ट पर काम करना चालू करो। रिपोर्ट भी रेडी है। रिपोर्ट भी रेडी है, एक्सेलेंट। आरोही, आई मस्ट से तुम्हारा इस मंथ बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। थैंक यू सो मच।